हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेघ मनी ऑर्गेनिक्स का एनुअल रिपोर्ट। अब ये जो शेयर है ये वन ऑफ माय फेवरेट है। इसमें कंटिन्यूस प्रमोटर बाइंग है, चार्ट पे मूविंग एवरेज एक दूसरे को ऊपर की तरफ काट रहे हैं, ये जो ब्लैक लाइन है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है और यहाँ एक राउंडिंग बॉटम भी बनते जा रहा है। 110 का स्टॉप लॉस आपके लिए हो जाएगा यहाँ से। 110 का स्टॉप लॉस बहुत जबरदस्त शेयर है ये। आने वाले टाइम में 500 प्लस आपको देखने मिलेगा। मैंने भी इसमें बाइंग करके रखी है। इसका जो एनुअल रिपोर्ट है वो हम देखने वाले आज, और वो इतना सॉर्टेड बना है उन्होंने, एकदम बहुत जबरदस्त बना है, देखते ही है। ये देखो, अब ये है इनका एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप YOY ग्रोथ कितनी है, 53.6% रेवेन्यू में। EBITDA 35.5% YOY ग्रोथ। पैट देखो, 66.5% से पैट ग्रोथ हुआ है YOY, और डिविडेंड 140% डिविडेंड देती कंपनी। डेब्ट टू इक्विटी रेशो निग्लिजिबल 0.34%, ROC 19%, ROE 23.6%। तो ये जो कुछ पैरामीटर्स है ये मुझे बहुत अच्छे लगे मेक मनी ऑर्गेनिक्स के। और अभी देखो इनका ये प्लान दिया है, अब 400 प्लस कस्टमर बेस फॉर एग्रोकेमिकल एंड पिगमेंट बिजनेस। इनका जो पिगमेंट बिजनेस है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 3500 से ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है इंडिया में, और 36 प्लस ब्रांड से। तो इनकी प्रोडक्ट रेंज जो है, प्रोडक्ट रेंज वो है इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। अंकलेश्वर में इनका प्लांट है, पनोली में इनका प्लांट है एक, और दहेज में। अब इनकी जो कैपेसिटी ये कम है, पर दहेज वाले प्लांट की कैपेसिटी 30,720 टन मैट्रिक टन पर एनम है। 30,720, पनोली वाली 13,500 और 6,800 अंकलेश्वर वाली, टोटल 51,060 टन पर एनम की इनकी कैपेसिटी है अभी। अब यहाँ देखो रेवेन्यू की अगर बात की जाए, तो रेवेन्यू की बात में एक्सपोर्ट से 87% आया, 70% शेयर इन टोटल रेवेन्यू मिक्स से आया है। ये देखो अभी इनके काम किस लिए आते हैं, प्रिंटिंग इंक्स, कोटिंग, प्लास्टिक्स, ये बनाने में इनके प्रोडक्ट काम आते। मुझे तो ये बहुत जबरदस्त लगती है कंपनी। और देखो इनका जो रेवेन्यू है, नेट सेल 755 करोड़ है, और थिंक थ्रू टुमारो क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल बिजनेस बनाने की कोशिश करें, डाइवर्सिफाइंग द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एनहांसिंग कैपेसिटीज और इमर्जिंग इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, रोबस्ट फाइनेंशियल। फाइनेंशियल तो हमने देख लिया, एबिटा, ROC, ROE कैसे थे, पर डाइवर्सिफाइंग द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इनके जो पिगमेंट है टिटेनियम डाइऑक्साइड, ये देखो टिटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2 बोलते हैं इसको, और प्रोडक्शन ऑफ TiO2 विल बी कंप्लीटेड इन टू फेजेस। द फर्स्ट फेज विल बी कमीशनड बाय FY23 विथ 16,500 टन पर एनम विथ कैपेसिटी आउटले ऑफ 275 करोड़, इंक्लूडिंग 132 करोड़ स्पेंट ऑन एक्वायरिंग किलबर्न केमिकल्स। अभी किलबर्न जो कंपनी थी इनको इन्होंने एक्वायर किया। अभी किलबर्न का शेयर लिस्टेड है कि नहीं, मुझे एक्चुअली किलबर्न शायद लिस्टेड है, किलबर्न है या किलबर्न है वो नहीं पता, किल्स तो नहीं चाहिए, किलबर्न, किलबर्न का शेयर नहीं, किलबर्न इंजीनियरिंग है, पर एक किलबर्न जो किलबर्न केमिकल से इसको इन्होंने एक्वायर कर लिया फॉर टिटानियम डाइऑक्साइड। तो ये एक हो गया। ये देखो 700 से 750 करोड़ एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन बाय न्यू प्रोडक्ट्स ऑन फुल ईयर ऑपरेशन, एंड 600 करोड़ कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू बाय इट्स फैसिलिटी ऑन फुल ईयर ऑपरेशन। मुझे तो ये कंपनी यहाँ से बहुत अच्छी लगती है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहता है, 5-10 सालों के लिए खेलना चाहता है, तो ये कंपनी में पैसा लगा के छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। ये आने वाले टाइम में महंगी कंपनी होगी, और उसमें जो रिटर्न बनेंगे ना आप, मतलब
क्या बोलूँ, बहुत बढ़िया रिटर्न बनेंगे मेघ मनी ऑर्गेनिक्स में, क्योंकि देखो मैं इस पे ज़्यादा बुलिश हूँ ये कंपनी पे, और मैंने क्वांटिटी खरीदी है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, ये अगर नीचे आ जाती है, ये कंपनी अगर नीचे आ जाती है तो मुझे और बाय करने, समझ लो 120 तक आ गई है, गिर के 120 आ गया मार्केट की गिरावट के साथ, तो मैं यहाँ पे और बाय करूंगा। 120 115 के आसपास जब आएगी तो मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ इसे। तो ये कंपनी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। रेवेन्यू देख सकते हो आप कैसे कैसे इनका बढ़ते गया रेवेन्यू। FY18 में 1800 था, 19 में 2000, 20 में 1600, 21 में 1600 और 22 में 2500 ऑलमोस्ट। तो देखो ये कैसे जंप हुआ इनके रेवेन्यूज में। और इसमें इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, यह देखो 8 लाख यूनिट्स रिडक्शन इन एनर्जी कंजम्पशन, 23% एनर्जी सोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस, 23% एनर्जी सोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस से आती इनकी। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, देखो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, जो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे वेस्ट वाटर को क्लीन करके फिर से वो यूज किया जाता है, ये एक अच्छी बात है इनकी। वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के लिए इन्होंने क्या किया है, एक्टिविटीज ऑफ रिसाइकलिंग ऑपरेशन, स्टीम कंडेंस रिसाइकल, यूजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट वाटर फॉर डेवलपिंग ग्रीन बेल्ट, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर फॉर यूजेस एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनका है, जो मतलब एक अच्छी कंपनी आप बोल सकते हो इसे यहाँ से। और इनके जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो देखो, अभी इसमें से आप कितने लोगों को पहचान, तो ये जयंती पटेल, 47 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है ओवरसीज इंटरनेशनल मार्केटिंग, बी केमिकल है ये जयंती पटेल। और इसके साथ साथ आशीष सोपारकर, ये के 46 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है, बी केमिकल है ये भी। और नटवर लाल पटेल, इनके पास भी 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एमएससी डिग्री इनके पास एग्रोकेमिकल डिवीजन। तो मैनेजमेंट देखो आप कितना स्ट्रांग मैनेजमेंट है, जिन बी केमिकल है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस इनके पास, तो ये अपने कंपनी को कैसे जाने देगा। और सेकेंड जनरेशन, इनका जो सेकेंड जनरेशन है वो देखो अब, मतलब ये तो भी 47 ईयर्स, 46 ईयर्स, 45 ईयर्स एक्सपीरियंस है, ये इनके बाद ये कंपनी किनके हाथों में जाने वाली है, फिर अंकित पटेल, दर्शन पटेल एंड करना पटेल, यंग फेलोज, इनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का, 12 साल का एक्सपीरियंस है। ये भी बी केमिकल फ्रॉम यूएसए है, एमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्रॉम सिंगापुर है, और यहाँ पिगमेंट्स में दर्शन पटेल है, तो और एग्रोकेमिकल में ये करना पटेल। तो जिनके इनके पोर्टफोलियोज है उनके एक्सपर्टीज भी इनके पास है ना। आने वाली पीढ़ी भी इनकी एक पढ़ी लिखी पीढ़ी होने वाली है, इस पे आप दाव लगा सकते हो, मैंने लगाया है, मैं तो वेट कर रहा हूँ और नीचे आ जाए मैं और खरीदूँ इसको, थोड़े 200 शेयर और खरीदने मुझे, फिर एक अच्छी क्वांटिटी हो जाएगी, उसे मैं होल्ड करने वाला हूँ 4-5 साल। ये एनुअल रिपोर्ट एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ा है, अभी तो देखो यहाँ यहीं तक आए हम, ये नीचे बहुत बड़ा, इतना हम कवर नहीं कर सकते एक ही वीडियो में, पर मैं जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो आपको बता दी है। एज अ रिजल्ट एक ही निकल के आता है कि इसमें आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हो, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो ये सब चीज़ें कंसिडर करके ही मैंने इसमें लगाया है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो।